हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैसे घर में एक्सटेंशन बोर्ड बनाते हैं, स्टर्डी और मजबूत एक्सटेंशन बोर्ड, बाजार से भी बेहतर। तो ये हमने एक बोर्ड लेके आ गया हूँ मैं, ये देखिए ऑलरेडी कटआउट इसमें है, 4 सॉकेट और 4 स्विच हम लगाएंगे इसमें। और ये हमारा सॉकेट हमने ले लिया है, मैंने एंकर का लिया है, आप जो भी चाहे ले सकते हैं मार्केट से। और ये हमने स्विच ले लिया है इसके लिए। और ये हमने कॉटन कवर्ड इंसुलेटेड मैंने वायर ले लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले चलिए स्विच को सेट करते हैं हम इसमें, तो हमारा बोर्ड है। तो स्विच सॉकेट को हम पहले स्विच को सेट करते हैं। चलिए आइए, ये हमने स्विच है, ये स्क्रू लगा के हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये इस तरह से टाइट कर लेंगे हम इसको लगा कर। ये हमने स्विच लगा लिया, अब ये सॉकेट है, हम सॉकेट लगाएंगे इसके बगल में। सॉकेट देखिए हमने लगा लिया, कटआउट आप काट कर सकते हैं, स्विच के नाप से कटआउट आता है ये। तो हम सॉकेट को टाइट कर लेते हैं यहाँ पे स्क्रू नट डालकर। हमने एक स्विच और सॉकेट को लगा लिया, फिर दूसरा हम लगाएंगे स्विच। इसी तरह स्विच सॉकेट आप सब में लगा लें, लगाने के बाद सबको टाइट कर लें, उसके बाद हम लोग इसका वायरिंग करेंगे। हमने ये देखिए मैंने इसी तरह से लगा लिया है, 2 लगा लिया, अब तीसरा, 4 सॉकेट और 4 स्विच आ जाएगा। ये सबसे बेहतर एक्सटेंशन बोर्ड है, सालों साल चलेगा, चीप एंड बेस्ट, रेडीमेड से काफ़ी बेहतर एक्सटेंशन बोर्ड। ये देखिए इस तरह से हम लगा रहे हैं और ये हमारा तीसरा सॉकेट और स्विच रेडी हो गया है। और एक लास्ट बचा है, उसे लगा लेंगे। लगाने के बाद इसका फिर कनेक्शन हम दिखाएंगे कैसे कनेक्शन करेंगे। ये हमारा लास्ट सॉकेट बचा है, इसको लगा देंगे हम यहाँ पे। ये देखिए अब हमारा फाइनल, हमारा सॉकेट एंड स्विच का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ जो बचा है वायरिंग बचा, वायरिंग हम आपको दिखाएंगे इसके बाद। ये देखिए हमने सॉकेट और स्विच को लगा लिया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। 4 सॉकेट है, 4 स्विच है, अब इसका हम लोग वायरिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए वायरिंग स्टार्ट करते हैं। अब इसका वायरिंग स्टार्ट करेंगे हम, पहले फेज का कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इधर से हम स्टार्ट करेंगे, ये एक स्विच है, स्विच के इधर से हम इनपुट देंगे और इस बाकी में हम सीरीज में कनेक्शन कर देंगे बाकी में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ फेज देंगे हम, फिर यहाँ से सब में लूप मार देंगे हम। ये देखिए चलिए आइए हम यहाँ कनेक्शन करते हैं, पहले फेस का कनेक्शन करते हैं। ये है वायर स्ट्रिपर है, ये हम इससे वायर को स्ट्रिप कर लेंगे। वायर को हमने स्ट्रिप कर लिया है, अब इसको हमें आउटपुट वाला जो स्विच का आउटपुट है ऊपर में नहीं, नीचे में हम कनेक्शन कर रहे हैं। आउटपुट हम इनपुट बाद में कनेक्शन करेंगे। ये देखिए यहाँ हमने कनेक्शन कर दिया इसको। ये स्विच में आ गया, अब ये स्विच का आउटपुट में हमने कनेक्शन किया है इसको, यहाँ से आउटगोइंग निकलेगा। यहाँ से हम यहाँ न्यूट्रल यहाँ फेज में ला के कनेक्शन, सॉकेट का फेज में कनेक्शन करेंगे। तो राइट साइड में हमेशा अगर कनेक्शन करें, राइट साइड में हमेशा फेज कनेक्शन होता है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है। और इसमें लिखा भी रहता है L फेज N न्यूट्रल, ये अर्थिंग का सिंबल है। तो आप यहाँ हमेशा यहाँ पे कनेक्शन करें, हम इसको ला के यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस तरह मेजरमेंट करके हमने काट लिया ऐसे।
से स्ट्रिप कर लें, स्ट्रिप करके ये हमारा फेज में लगा दें, सॉकेट का राइट साइड का फेज में। ये वन सॉकेट और वन फेज का कनेक्शन रेडी हो गया। अभी न्यूट्रल हमने कनेक्शन नहीं किया, न्यूट्रल हम बाद में करेंगे, अभी फेज का सिर्फ कनेक्शन कर रहे हैं। अब ये दूसरा स्विच और दूसरा सॉकेट बचा है, तो इस स्विच में हमें फेज लाना है। तो फेज कहाँ से लेंगे हम? यहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे तो सब एक ही स्विच से सब चालू हो जाएगा। सीरीज में नहीं लेना, पैरेलल लेना है। यहाँ से लेके हम यहाँ देंगे, फिर यहाँ के आउटपुट से हम इसको इसमें लगाएंगे, तब ये सेपरेट सेपरेट स्विच काम करेगा। तो यहाँ से एक तार लेके हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो दूसरे स्विच में हम यहाँ का पहला स्विच के आउटपुट से हम कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए यहाँ हम कनेक्शन कर देंगे, दूसरे स्विच में कनेक्शन कर रहे हैं। तो दूसरे स्विच का हमने इनपुट में कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ के आउटपुट, दूसरे स्विच का आउटपुट से हम ये तार निकाल के ये यहाँ के फेज में डालेंगे, दूसरे सॉकेट का फेज में। तो आइए इसको कनेक्ट करते हैं, नाप लेते हैं तार हम ये आउटपुट से यहाँ फेज तक। राइट साइड में हमारा फेज है इधर, अब ये दूसरा स्विच में हमने इनपुट दे दिया है। अभी इसे आउटपुट में कनेक्ट करेंगे, यहाँ आउटपुट से लेके यहाँ फेज में डालेंगे सॉकेट में। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी दूसरा स्विच का आउटपुट से हम यहाँ सॉकेट में डालेंगे। ये देखिए हमने इनपुट दे दिया है, ये हमारा सॉकेट, यहाँ से हम ये हमारा राइट साइड है, फिर हमें हमेशा राइट साइड में कनेक्शन करें। न्यूट्रा न्यूट्रल हमेशा लेफ्ट साइड में। ये हमारा यहाँ कनेक्शन हो गया हमें। और दूसरा सॉकेट हमारा रेडी हो गया है। अब ये तीसरा स्विच पे है, तीसरा स्विच का आउटपुट से हम ये सॉकेट का इनपुट में कनेक्शन करेंगे। ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट में हमने तार डाल दिए एक, टाइट कर देंगे। अब ये सॉकेट का फेज में हमने कनेक्शन कर दिया राइट साइड में। ये हो गया, इसका इनपुट हम यहाँ से ले लेंगे। जो ये हमारा ये इनपुट आ रहा है, यहाँ से इनपुट लेके आप यहाँ इन लूप में डाल दें तो ये कनेक्शन हो जाएगा। ये हमारा मेन लाइन है, तो यहाँ इस आउटपुट में कनेक्शन मत करें। आउटपुट से कनेक्शन करेंगे तो दोनों सॉकेट एक स्विच से चलने लगेगा। हमेशा यहाँ इनपुट से कनेक्ट करें। देखिए यहाँ ऊपर साइड में हम कनेक्ट कर रहे हैं, ऊपर से ऊपर में हम कनेक्शन देंगे, ऊपर से ऊपर में कनेक्शन देंगे तो इनपुट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ना दें, यहाँ से यहाँ देंगे दोनों सॉकेट एक साथ चलने लगेगा। तीसरे सॉकेट का हम इनपुट कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ के इनपुट से, दूसरे सॉकेट का इनपुट से, तीसरे सॉकेट के इनपुट में हम करंट देंगे।
ये हम यहाँ लगा देंगे, ये हमारा ये कनेक्शन रेडी हो जाएगा, अपना तीसरा सॉकेट का इनपुट रेडी हो जाएगा हमारा, ये हमारा तीसरा सॉकेट का इनपुट हमने लगा दिया। और यहाँ का इनपुट से यहाँ इनपुट दे देंगे तो चारों सॉकेट का हमारा फेज रेडी हो जाएगा। अभी तीसरा इनपुट से हम चौथे में इनपुट दे रहे हैं, यहाँ दोनों तार एक साथ लगा दे, ये तार हमारा चला जाएगा चौथा सॉकेट में इनपुट में। इसको अच्छा से टाइट कर दें, हमेशा टाइट अच्छा से करें तो लूज कनेक्शन होने से स्पार्क होने लगेगा। ये जो तार हमारे यहाँ से लूप निकाला यहाँ इनपुट में हम डाल देंगे। चौथा सॉकेट का इनपुट है हमारा, ये देखिए हमने इनपुट कंप्लीट कर दिया। ये इनपुट हमारा, ये पहला सॉकेट का इनपुट अभी बाकी है, जो मेन जो लाइन है मेन हमारा इसमें कनेक्शन होगा वो बाद में दिखाएंगे हम, पहले इसका हम ये कनेक्शन कर लेते हैं आउटगोइंग। ये देखिए चारों सॉकेट में हमने फेस कनेक्शन कर दिया है, स्विच सॉकेट दोनों में। और यहाँ इनपुट बाकी है, न्यूट्रल बाकी है, अभी न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरा वायरिंग आपको समझा देंगे, इसका ड्राइंग भी हम डाल देंगे अगर आपको चाहिए तो लिंक में। अब जो है न्यूट्रल हम कनेक्शन कर देंगे, मैंने येलो तार ले लिया है, असल में मेरे पास ब्लैक तार था नहीं था इसलिए। तो ये न्यूट्रल का पॉइंट है हमारा, तो न्यूट्रल से हम सबको लूप में मार देंगे एक साथ, और जो मेन न्यूट्रल हमारा आएगा बोर्ड से वो यहाँ कनेक्शन कर देंगे, तो सब में लूप हो जाए, सब में सीरीज कनेक्शन आप कर दें। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें इसमें से लूप मार दें, इसे खोलना पड़ेगा हमें थोड़ा। ये देखिए हमने न्यूट्रल को भी कनेक्शन कर दिया है, ये न्यूट्रल हमारा मेन के साथ कनेक्शन होगा यहाँ पे, तो इसको भी हमने बाहर रखा है, दोनों को एक साथ में कनेक्शन करेंगे। यहाँ से हमने यहाँ लूप दिया, यहाँ से यहाँ लूप दिया, यहाँ से ये लूप दिया, पूरा न्यूट्रल कंप्लीट हो गया और फेज भी कम्प्लीट हो गया है हमारा। तो फेज हम अभी आपको समझा देंगे थोड़ी देर में मेन तार कनेक्शन करके। तो ये हमारा कनेक्शन ऑलरेडी हो गया है, तो अब इसमें हम मेन तार डालेंगे। हमने ये इंसुलेटेड क्लोथ इंसुलेटर मैंने को तार ले लिया है जो बहुत सेफ़ रहता है, ये मार्केट से आप भी ले सकते हैं इसको। हम ये थ्री वायर है इसमें, रेड येलो ब्लू एंड, एक फेज है, एक न्यूट्रल है, एक अर्थिंग है हमारा, तो अर्थिंग हमारा सॉकेट में काम हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको हम कनेक्शन करते हैं, इसको पहले हम इसमें डाल लेते हैं, ये हमारा इसमें हमने होल कर लिया है, तार को इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए तार इसमें आ गया हमारा, तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सॉकेट है, सॉकेट का ये अप साइड में है,
अब साइड में हम यहाँ फेस को कनेक्शन कर देंगे इस साइड में। चलिए आइए हम कनेक्शन करते हैं फेस को। तार को हम थोड़ा छील लेते हैं बाहर करके। ये देखिए फेस को फेस में कनेक्शन कर दें या न्यूट्रल को, ये न्यूट्रल के साथ जो बाहर है यहाँ यहाँ न्यूट्रल में आ जाएगा हमारा कनेक्शन। पहले फेस को हम कर लेते हैं। ये रेड वायर है हमारा फेस में, हम कनेक्शन कर देंगे यहाँ। फेज में हो गया, न्यूट्रल है हमारा, न्यूट्रल में जो हमने लूप समय मार दी, ये एक सॉकेट बचा था, इसके साथ दोनों को साथ में ज्वाइंट करके आप पहले सॉकेट में लगा लें। ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रल का कनेक्शन। ये देखिए न्यूट्रल को हमने इसमें कर लगा दिया है, ब्लैक वायर को न्यूट्रल में लगा दिया है और ये न्यूट्रल हमारा सब में लूप हो गया है। ये देखिए तीनों सॉकेट में लूप कर दिया। ये अर्थिंग बचा है, अर्थिंग अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लें, बेहतर है कि यूज़ करें अर्थिंग आप। अर्थिंग को हम यूज़ करेंगे यहाँ। यहाँ अर्थिंग को वायर को लगा दें, इसको स्ट्रिप करके ये अर्थिंग वायर को हमने स्ट्रिप कर लिया। अब स्ट्रिप करके ये अर्थिंग में आप लगा दें यहाँ। अर्थिंग वाला यहाँ पे बीच में सेंटर में है और यहाँ से सब में आप लूप मार दें अर्थिंग में। एक वायर, कोई भी वायर, ग्रीन ब्लैक जो भी वायर है, तो रेड रेड यूज़ ना करें। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, हमने तार लगा दिया है। देखिए तो ये हमने अर्थिंग भी लगा दिया है इसका। देखिए अर्थिंग का हमने लूप कर दिया है, अर्थिंग का वायर हमने इसमें एक लगाया अर्थिंग में, यहाँ से सब में लूप कर दिया, सब में अर्थिंग आ गया। और ये न्यूट्रल, न्यूट्रल का तो सिंपल कनेक्शन है, न्यूट्रल का हमने यहाँ से न्यूट्रल मेन न्यूट्रल जो आया हमारा बोर्ड से इसमें लगा दिया, यहाँ से सब में हमने ये लोगों से न्यूट्रल कर दिया है, न्यूट्रल अर्थिंग हो गया फेस का। ये देखिए ये तार जो है ये मेन तार है, ये बोर्ड से हमारा आएगा, जो पोल से हमारा बोर्ड में आ रहा फेस, तो उसको हमें यहाँ स्विच के ऊपर वाले हिस्से में लगाया इनपुट। जब स्विच हम ऑन करेंगे ये नीचे से हमारा आउटपुट जाएगा कहाँ, स्विच ऑन करने के बाद। ये स्विच अभी ऑफ है, ये ऊपर में हमने ये इस कनेक्शन दिया है फेस का। स्विच को जब हम ऑन करेंगे नीचे से ये आउटपुट निकल के हमारा सॉकेट में आएगा, सॉकेट का हमारा राइट साइड में, राइट साइड में हमने ये कनेक्शन कर दिया है। देखिए राइट साइड में हमने फेस हमेशा राइट साइड में कनेक्शन करना। ये पहला सॉकेट का ख़त्म हो गया, अब दूसरे स्विच में हमें फेज लाना है। तो कहाँ से लाना है, वो यहाँ से हमने लूप मारा। ये देखिए ये मेन तार जो ऊपर में आया है, हमें पहला स्विच का ऊपर से ये हमने दोनों तार को एक साथ जोड़ के ऊपर से हमने जोड़ा है, ऊपर से जोड़ के ये यहाँ ला के यहाँ ऊपर में हमने कनेक्शन कर दिया, पहला दूसरा स्विच का ऊपर में। और सेम यहाँ के दूसरे स्विच का आउटपुट से यहाँ हमें सॉकेट में ले गए यहाँ स्विच। ये देखिए यहाँ से निकाल के ये यहाँ राइट साइड में हमने लगा दिया सॉकेट, ये कनेक्शन हो गया। अभी तीसरे स्विच में हमें कनेक्शन देना है, तो दूसरे स्विच के ऊपर से हमने देखे दो तार यहाँ हैं, यहाँ से जॉइंट करके ये हमने तीसरे स्विच के ऊपर में लगा दिया है, यहाँ ऊपर में अप साइड में। जब स्विच हमें ऑन करेंगे यहाँ से आउटपुट निकलेगा। ये देखिए यहाँ से आउटपुट निकल रहा नीचे से, ये निकल के सॉकेट में जा रहा है। जब ऑन करेंगे तो सॉकेट में पावर आएगा,
और फिर चौथा स्विच बचा है, चौथा स्विच में हम यहाँ से लूप मार रहे हैं, ये देखिए दो तारे यहाँ से हमने ज्वाइन करके यहाँ से हम ले गए हैं, ये देखिए यहाँ से लेके हम यहाँ चौथा सॉकेट स्विच के ऊपर में हमने लगा दिया है। अब यहाँ से चौथा स्विच जब ऑन करेंगे यहाँ से आउटपुट निकल के हमारा सॉकेट में आएगा, सॉकेट में आएगा, सॉकेट में पावर आ जाएगा। तो ये हमारा फेज़ का सिंपल कनेक्शन था दोस्तों। इसका ड्राइंग हम वीडियो के लास्ट में आप डाल देंगे, आप और ड्राइंग से आप इजीली समझ सकते हैं। इसमें हम यहाँ पे केबल टाई मार देंगे तो ये केबल थोड़ा बाहर, इस पर प्रेशर नहीं आएगा तो ये हमारा स्टॉप रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम केबल टाई मार दे रहे हैं, देखिए हमने केबल टाई मार दिया है तो ये बाहर नहीं आएगा, इसका ये फायदा। ये देखिए और थोड़ा मोटा केबल टाई मारना है और मार देते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा एक्सटेंशन बोर्ड रेडी हो गया है, हमने यह केबल टाई मार दिया है तो बाहर नहीं जा पाएगा। हमारा फेस कनेक्शन हो गया है, न्यूट्रल कनेक्शन हो गया हमारा, अभी से हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज हो गया, अब इसमें स्क्रू लगा देंगे हम, स्क्रू का जो स्लॉट है। ये हमने एक्सटेंशन बोर्ड हमारा रेडी हो गया है, देखिए सॉकेट स्विच हमारा रेडी है। ये देखिए कितना मस्त एक्सटेंशन बोर्ड बना है हमारा, स्टर्डी है, मजबूत बना है, बाज़ार से काफ़ी बेहतर और सस्ते में। और ये इसका अब हमें प्लग टॉप लगाना है, प्लग टॉप हमने एंकर का प्लग टॉप ले लिया है, एंकर का थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन ये अच्छा चलता है। तो अब इसको हम इसमें लगा देंगे, उसके बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा, फिर हमें टेस्ट करके दिखाएंगे। ये प्लग टॉप है, प्लग टॉप में हम ये तीनों तार मैंने छील लिया ऑलरेडी, इसमें लगा देंगे हमारा, ठीक है। राइट साइड में हमेशा फेज लगाएं, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल, एंड ये टॉप वाला जो अर्थिंग है। इसको टाइट कर दें आप फेस को, हमने फेज न्यूट्रल अर्थिंग को हमने कनेक्शन कर दिया है इसमें सॉकेट में, इसको हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम इसका टेस्ट करेंगे।
सॉकेट रेडी हो गया, लैपटॉप हमने लगा दिया है। देखिए एक नंबर फर्स्ट क्लास एक्सटेंशन बोर्ड बन गया हमारा, तो बढ़िया लग रहा है ये देखिए। अब इसका टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्लग टॉप को लगाते हैं। इसमें हमने पावर दे दी है, अब इसको हम ऑन करते हैं और इसमें करंट चेक करते हैं टेस्टर से करंट आ रहा है कि नहीं। ये हमने ऑन कर दिया तो राइट साइड में हम लगाते हैं, राइट साइड में टेस्टर ये हमारा रेडी हो गया। अब इसमें करंट चेक करते हैं आ रहा कि नहीं आ रहा। ये अब हमारा मैंने प्लग लगा दिया, अब ऑन करते हैं। अब ये देखिए राइट साइड में हमारा, और ये हमारा लेफ्ट साइड में न्यूट्रल है, न्यूट्रल में करंट नहीं आना चाहिए। फिर इसको बंद करते हैं, अब इसको चेक करते हैं ऑन करके, ऑन ऑफ, न्यूट्रल में करंट नहीं आना चाहिए। देखिए इसको बंद करते हैं, अब इसको ऑन करते हैं, ये वाला चेक करते हैं। इस तरह से हमारा खूबसूरत सा एक्सटेंशन बोर्ड रेडी हो गया है।